اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد नाज़रीन और सामईन की खिदमत में सलामुन अलैकुम। मैं ज़ाहिर हुसैन रिज़वी शिया चैनल रायबरेली से आपके सामने हाजिर हूँ। हजरात, आज क़यामत खेज़ तारीख यानि 7 ज़िलहज्जा की तारीख, जो कि हमारे 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले की तारीख है, और आज की तारीख में हमारे शहर रायबरेली में मासूमीन फाउंडेशन की जानिब से हर साल इस शहादत के सिलसिले से यानि 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के शहादत के सिलसिले से मजलिस अज़ा का इनेकाद किया जाता है। लेकिन इस वक्त कोविड-19 के दौर में, इस वबा के दौर में इज्तमाही तौर से कहीं भी इस मजलिस का इनेकाद नहीं किया जा रहा है, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए शिया चैनल रायबरेली के ज़रिए से इस मजलिस को मोमिनीन तक टेलीकास्ट किया जा रहा है मासूमीन फाउंडेशन के ज़रिए से। और आज की मजलिस को ख़िताब करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मौलाना ख़तीब ज़ाकिर अहले बैत मौलाना सरमदी रिज़वी साहब, जो कि हमारे साथ मौजूद होंगे और आज के शहादत के सिलसिले से मजलिस को ख़िताब करेंगे। और आज की मजलिस में सोसखानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे मोहतरम जनाब तुराब नकवी साहब। तो आइए हजरात, मैं बिना किसी तमहीद के आज की मजलिस का आगाज़ करने के लिए मोहतरम जनाब तुराब नकवी साहब की खिदमत में चलता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि आज की मजलिस का आगाज़ करें सोसखानी के साथ, एक बावाज़े वलन नारे सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजल फरज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सूरज अभी न जा तू हदे मशरक़ैन से सूरज सूरज अभी न जा तू हदे मशरक़ैन से जिब्रील एक पल को ठहर तू भी चैन से जिब्रील एक पल को ठहर तू भी चैन से ऐ मौत
सांस रोक ज़माने क़याम कर, ऐ मौत सांस रोक ज़माने क़याम कर, मसरूफ़े गुफ्तगू है खुदा खुद हुसैन से, ऐ मौत सांस रोक ज़माने क़याम कर, मसरूफ़े गुफ्तगू है खुदा खुद हुसैन से। सूरज जब से सब परदेस सिधारे, सुगरा करत है बैन, जब से सब परदेस सिधारे, सुगरा करत है बैन, मन मामोरे मन मामोरे मन मामोरे आग लगी है, बिलकत हूँ दिन रैन, जब से सब परदेस सिधारे, सुगरा करत है बैन, मन मामोरे आग लगी है, बिलकत हूँ दिन रैन, माता पिता के दरस को तरसी, वीर से आस लगा आए, अरे मुझ दुखिया के रोवत रोवत सूख गए दोने, माता पिता के अरे माता पिता के दरस को तरसी, वीर से आस लगा आए, अरे मुझ दुखिया के रोवत रोवत सूख गए दोने, हाय जब से सब। जज़ाकअल्लाह। ये थे मोहतरम जनाब तुराब नकवी साहब, जिनके ज़रिए से आप हज़रात सोसखानी समाप्त कर रहे थे और यकीनी तौर से आप मसाब हो रहे थे।
आइए हजरत, आज के शहादत के सिलसिले की मजलिस को खिताब करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम व मुस्लिमीन जाकिर अहले बैत मौलाना सरमदी रिजवी साहब। मैं उनकी खिदमत में चलता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि आज के शहादत के सिलसिले से मजलिस को खिताब करें। सभी नाजरीन और सामईन की खिदमत में गुजारिश की जा रही है कि एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अजल फरज। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته والذي خلق المشيئة ثم خلق كل أشياء بها والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الملقب بطه والمكنى بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الباقر في حديثه ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزيزان گرامی, معصومین فاؤنڈیشن رائے بریلی کی جانب سے منعقدہ یہ سالانہ مجلس جو کہ شب شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کے موقع پر برپا کی جاتی ہے, حالات کے پیش نظر اس سال اس مجلس کو سالہ یا گزشتہ کی طرح برپا نہیں کیا جا سکا, اور لہذا طے یہ پایا کہ موجودہ وسائل کو استعمال میں لاتے ہوئے جس طرح سے بھی ممکن ہو اہل بیت علیہم السلام کی یاد کو تازہ رکھا جائے. حقیر نے بھی اس حکم کو, اس درخواست کو قبول کیا اور آج آپ کی خدمت میں بوسیلہ انٹرنیٹ حاضر ہوں تاکہ آج کی اس غمناک شب جو کہ شب شہادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے, اس شب میں اس عظیم امام کا ذکر کیا جائے اور ان کی تعلیمات سے, ان کی احادیث نورانیہ سے مستفید ہوا جائے اور ان کے مصائب و آلام کا ذکر کر کے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور تمام اہل بیت علیہم السلام سے قریب ہوا جائے. اس لیے کہ اہل بیت سے قرب کا جو طریقہ ہے اور اہل بیت سے قرب اختیار کرنے کا جو وسیلہ ہے وہ خود ان کا ہی ذکر ہے. آج اگر ہم اپنے وقت کے امام سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کریں, ان کے فضائل و مصائب کا ذکر کریں. سال بھر میں کسی بھی امام کی ولادت یا شہادت کی تاریخ در حقیقت جب آتی ہے تو یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم شیعیان حیدر کرار یا محبان حیدر کرار اس اہم نقطے کی طرف متوجہ ہوں کہ اس وقت ہمارا امام زندہ ہے. یہ تاریخیں ولادت یا شہادت کی
सिर्फ इसलिए नहीं आती हैं कि हम एक जगह पर जमा होकर कुछ तज़किरा करके और फिर एक दूसरे से जुदा हो जाएं, मुंतशिर हो जाएं, नहीं, बल्कि ये तारीख़ें दर हकीकत वसीला बनती हैं कि हम यादावरी करें, हम एक बार अपने आप को टटोलें और अपने अहद की तजदीद करें कि अपने आप को इमामत से और वक्त के इमाम से मुतमस्सिक करें। इसीलिए खुद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में भी आप देखें कि अइम्मा से बहुत सी ऐसी अहादीस नकल हुई कि आखिरी ज़माने में बेहतरीन अमल अमल इंतज़ार होगा। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की ज़ात पर रोशनी डालने के लिए मुझ हकीर के पास तो कुछ अल्फाज नहीं हैं, लेकिन फिर भी तबर्रुकन कुछ बातें अर्ज करनी हैं आपकी खिदमत में और फिर रब्ते मसायब के बाद आपकी जहमत तमाम। जिस हदीस नूरानिया का मैंने इंतखाब किया, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लैस मिन्ना मन लम युहासिब नफ्सहु फी कुल यौम, वो हम में से नहीं है कि जो हर रोज अपने नफ्स का मुहासबा ना करे। यानी गोया इमाम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम हम में से होना चाहते हो, तुम सिफात के एतबार से हमसे करीब होना चाहते हो, तुम अगर ये चाहते हो कि तुमको देखकर लोग हम तक खिंच के आए, जो कि तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि तुम किसी भी मुआशरे में मौजूद हो, तो वहाँ हमारे चाहने वालों से यानी कि तुमसे बेहतर कोई दूसरा शख्स नहीं होना चाहिए, लिहाजा अगर ये तुम चाहते हो कि तुम हमारे लिए पहचान बनो और तुमको भी लोग हमारे ज़रिए से पहचानें और ये जानें कि ये अली इब्न अबी तालिब या मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का चाहने वाला है, तो फिर तुमको करना क्या होगा। जहाँ बहुत सी बातें बयान हुई, वहीं इस हदीस में इमाम ने कामयाब ज़िंदगी का पूरा निचोड़ पेश कर दिया है, और वो ये है कि वो शख्स हम में से नहीं है, यानी हमसे करीब नहीं है, हमसे मुतमस्सिक नहीं है, हकीकी माना में हमारा मुहिब नहीं है कि जो हर रोज अपने नफ्स का मुहासबा न करे। और उलमा ने यहाँ पे बहुत ही लतीफ नुक्ता बयान किया कि यहाँ पे फी कुल यौम से मुराद जरूरी नहीं है कि यौम से मुराद 24 घंटे ही हों, बल्कि ये यहाँ पे दरजात के हिसाब से है। यौम किसी के लिए एक लम्हा भी हो सकता है, जैसे कि मालिक यौमिद्दीन से मुराद वो जजा व सजा का दिन नहीं है 24 घंटे का, या फिर कोई एक मखसूस टाइम पीरियड नहीं है, इसलिए कि अल्लाह कुछ होता नहीं है कि अभी ना हो और कल को होगा, इसलिए कि अगर इससे जजा व सजा व क़यामत का रोज़ मुराद ली जाए तो फिर ऐसा नहीं है कि अल्लाह तब मालिक बनेगा और अभी नहीं है, बल्कि वो हर हर लम्हा जजा व सजा का मालिक है। हाँ, उस दिन इन तमाम चीज़ों का ज़हूर होगा इंसान के अपने अमाल का, और तब वो अल्लाह की मालिकियत का मुशाहदा करेगा। तो वैसे ही जो साहिबान रुतबा हैं, जिनके दर्जात बुलंद हैं, उनके लिए यौम 24 घंटे नहीं होते, बल्कि वो हर लम्हा अपने नफ्स का मुहासबा करते हैं। जैसे ही उनके अज़ा व जवारेह से कोई ऐसा अमल सादिर हो कि जो उनके मालिक की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, तो वो उसी वक्त अपना मुहासबा करते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो महज़र खुदा में हाजिर हूँ, इमाम वक्त की हर वक्त निगाहों की जद पे हूँ, ये मैंने ऐसा काम कैसे कर दिया। लिहाजा वो हर हर लम्हा अपना मुहासबा करते हैं, फलां कलेमा मेरी ज़बान पर कैसे जारी हो गया, फलां को मैंने यूं तिरछी निगाहों से देख कैसे लिया, या फलां को मैंने अजियत कैसे दे दी, हर लम्हा वो अपना मुहासबा करते हैं। लेकिन अगर इंसान 24 घंटे में भी एक बार अपना मुहासबा करता है, बिस्तर पर जाने से पहले भी वो एक बार ये याद करता है कि सुबह से लेकर शाम तक उसने इताअत इलाही में कितने लम्हात गुजारे और मासियत इलाही में कितने लम्हात गुजारे, तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर अपने आप को मुती परवरदिगार देखे, अगर अल्लाह की इताअत करता हुआ पाए, तो उसका शुक्र बजा लाए और तौफीक में इजाफे की दुआ करे, और अगर ये देखे कि किसी लम्हे में वो अल्लाह का
की मासियत कर रहा था, तो फिर वो इस बात के लिए तौबा करे और अल्लाह से ये चाहे कि अब वो इस मासियत को न दोहराए और इस तौबा के ज़रिए से अपने परवरदिगार से करीब हो और हर अपना आने वाला दिन अपने पिछले दिन से बेहतर गुजारे। आज की इस कॉम्पिटिटिव लाइफ में अगर आप इस हदीस को सामने रख कर इसका मुतालआ करें और इसकी शर्ह करें, अपने लेवल पे इसको समझना चाहें, तो आप देखें कि जब आप हर रोज़ अपना मुहासबा करेंगे तो फिर अगला दिन आपका पिछले दिन जैसा नहीं गुजरेगा। इसलिए कि मुहासबे का ये मतलब नहीं है कि इंसान सिर्फ हिसाब किताब लगाए और जो गलतियां उसने कल की थी आने वाले दिन में भी उन्हीं को फिर दोहराए। मुहासबे का मतलब ये है कि अपनी वीकनेसेस को, अपनी कमजोरियों को ढूंढना, जानना और फिर अमल करना इस बात पर कि उन कमजोरियों को अपने आप से दूर करे। लिहाजा आज की इस कॉम्पिटिटिव लाइफ में आप देखिए कि जहां पे एक एक सेकंड आपका कीमती है, तो इंसान अगर आज के इस सोशल मीडिया के दौर में, ये नुकात जरूरी हैं मुझे बयान करने हैं और मेरा खिताब भी जाहिर है कि अपने हमसिन और कमसिन भाइयों से है कि आज के इस सोशल मीडिया के दौर में अगर आप देखें तो इंसान अपने कितने लम्हों को, लम्हा तो मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, अपने कितने घंटों को इसी सोशल मीडिया के वजह से बर्बाद कर रहा है, सिर्फ वो फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशंस का यूज़ करके या दीगर और भी चीज़ों का यूज़ करके अपने उस कीमती वक्त को बर्बाद कर रहा है कि जहां वो बहुत कुछ इल्म हासिल कर सकता है, जहां वो दीनी और दुनियावी उलूम हासिल कर सकता है, किताबों का मुतालआ कर सकता है, खामोशी से किसी गोशाए तन्हाई में बैठकर फिक्र कर सकता है। लेकिन आज उसके पास क्या है कि उसने सिर्फ एक मोबाइल अपने हाथों में ले लिया है और वक्त की बर्बादी गोया उसका बेहतरीन मशगला हो गया है। अगर आप मेरी इन बातों को सुन रहे हैं और ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो इस बात पर जरूर गौर करें कि वक्त का इमाम आपसे आपके इस अमल की वजह से राजी नहीं होगा। और ये बात मैं पहले अपने लिए कह रहा हूँ, फिर किसी और के लिए कह रहा हूँ, इसलिए कि मैं अपने आप को औरों से बेहतर जानता हूँ। लिहाजा मैं अगर अपना वक्त सिर्फ इन कामों में बर्बाद कर रहा हूँ तो वक्त का इमाम मुझसे राजी नहीं होगा। सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना और दुआएं मांग लेना ही काफी नहीं है। मोमिन हकीकी वो है कि जो हर सांस के आने और जाने के बीच में भी अपने माबूद से कनेक्ट रहे। मोमिन हकीकी फकत वो नहीं है कि जो मुसल्ले पे आके मोमिन होता है, बल्कि उसका पूरा दिन एक मोमिन की तरह से गुजरता है। गोया कि जैसे वो ऑफिस में बैठा हो तो एक मास्टर कैमरा लगा है, उसे मालूम है कि कहीं ना कहीं से उसे देखा जा रहा है, वो किसी की निगाहों में है, तो वो ऐसी कोई हरकत नहीं करता कि जिसकी वजह से उससे बाजपुरसी हो। तो ये तो दुनिया के कैमरे हैं, वो मास्टर कैमरा कि जो हुज्जत खुदा के नाम से इस वक्त ज़मीन पे मौजूद है, कि जो एक एक लम्हा हमारे सारे आमाल को देख रहा है। सूरह तौबा की आयत है, फ़कुल अमलू फ़सयअल्लाहु अमलकुम व रसूलहू वल मुमिनून। तफसीर में आया कि यहाँ मुमिनून से मुराद अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हैं। बस कह दीजिए कि अमल को अंजाम दो और उस उन अमल को देखेगा अल्लाह और रसूलुल्लाह और मुमिनून, और मुमिनून से मुराद यहाँ पर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। तो हर वक्त हमारे ज़माने का इमाम हमारे अमाल का मुशाहदा कर रहा है। तो क्या एक मास्टर कैमरा लगा होने के वक्त जो हमारा अंदाज होता है वही अंदाज हमारा गोशाए तन्हाई में है? अगर है तो ही हम मोमिन हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि क्या वाकई हम अपने इमाम को हाजिर व नाजिर जानते हैं? क्या सिर्फ मुनाजरे की हद तक हम उनको हाजिर व नाजिर साबित करते हैं, या हकीकी माना में हम उनको हाजिर व नाजिर जानते हैं? मौजू क्योंकि इमामत है और ख़ुद आज एक इमाम की शहादत की शब है, लिहाजा मैंने वक्त के इमाम के मुतालिक कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ की। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशे हैं और उन पर रोशनी डालना जाहिर है कि एक घंटे की मजलिस में नामुमकिन है, और इस पर तो मुख्तलिफ कुतुब लिखी गई हैं और अभी भी तारीख इस उन हकायक को हमारे सामने लाने से जो है वो
नाकाम रही है, इसलिए कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की किसी भी फर्द की ज़िंदगी पर रोशनी डाली जाए तो ये नामुमकिन है कि उस पर इहाता कर लिया जाए। इस कदर ज़वाया हैं और इस कदर मानी उनके कलाम में और उनकी बातों में और उनके अफ़आल में पोशीदा हैं कि उन सब को बयान करना नामुमकिन है। मैं तबर्रुकन कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ ताकि हम अपने उस इमाम का कि जिसको बाकिरुल उलूम का लक़ब मिला, कि जिसने इल्म को शकाफ़ता कर दिया, गोया एक किसी चीज़ को बीच से फाड़ देना, उसको अलग कर देना के माना शकाफ़ता के होते हैं, और उन्होंने इल्म को ऐसा पेश किया लोगों के सामने, इसलिए कि गुज़श्ता अइम्मा के ज़माने में ये मौका फराहम ना हुआ जाबिर हुक्मरान की वजह से कि वो उलूम इलाहिया को लोगों तक पहुँचाते। लेकिन इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम और आपके बाद उसी ज़मीन पर काम करते हुए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को वो बेहतरीन मौका मिला कि जब आपने उलूम अहले बैत को, उलूमुल्लाह को लोगों तक बेहतरीन अंदाज़ में पहुंचाया और बाकायदा एक दानिशगाह कायम की जहां पर हज़ारों तुल्लाब आपसे अलग अलग मौजूआत में एक ही वक्त में मुस्तफ़ीद होते थे। तो इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम का वो ज़माना था कि जब इल्म अपने उरूज पे पहुंचा और आपने बहुत सी नूरानी अहादीस बयान फरमाई कि जिसमें से बहुत सी ऐसी अहादीस थी कि जिसमें इमाम ज़माना के इंतज़ार पे आपने ज़ोर दिया। और एक हदीस में आप फरमाते हैं कि इस्बिरु अला अदाइल फराइज़, अपने फ़राइज़ को अदा करने में सब्र से काम लो। अब ये सब्र वो उर्दू वाला सब्र नहीं है कि जब मुसीबत पड़े तो सब्र करो, बल्कि ये सब्र सब्र है इताअत वाला, यानी ये कि जब तुम्हारा नफ्स तुमको मासियत की तरफ खींच रहा हो तो तुम सब्र करके अपने आप को इताअत की तरफ ले आओ। इस्बिरु अला अदाइल फराइज़, यानी अपने फरीज़ों को अदा करने में सब्र से काम लो, यानी डटे रहो, स्टेडफास्टनेस दिखाओ। वसाबिरु अदुवकुम, वसाबिरु अदुवकुम, और अपने दुश्मनों के साथ सब्र से काम लो, यानी उनके साथ ऐसा ना हो कि तुम उनके अमाल की वजह से, उनके जुल्म की वजह से अपना आपा खो बैठो और कोई ऐसा काम करो कि जो हिकमत के खिलाफ हो। वराबितु इमामकुमुल मुंतवर, और अपने इमाम मुंतज़र की जिसका तुम्हें इंतज़ार करना है उसके साथ राबता कायम करो, क्योंकि फ़लसफ़े इंतज़ार की अगर बहस की जाए कि जिसकी यहाँ पे अभी गुंजाइश नहीं है, लेकिन फ़लसफ़े इंतज़ार ये नहीं है कि हम सिर्फ इस बात के हर रोज़ मुंतज़िर रहें कि मौला आ जाएं और हम अज्जिल फ़रजहुम की रट लगाए रहें, बल्कि फ़लसफ़े इंतज़ार ये है कि हम अपने ज़माने के इमाम के ज़ुहूर के लिए आमादा हों। बिल्कुल वैसे ही कि जब जैसे हम अपने घर में आ रहे किसी मेहमान के लिए ख़ुद को और अपने घर को आमादा करते हैं, हम ख़ुद को और अपने आप को, अपने इस घर को, अपने खाने दिल को इमाम के लिए आबाद करें ताकि यहाँ पर इमाम आकर हमसे मुलाकात करें। इमाम वो हकीकत हैं कि जो मोमिन के दिलों में बसती है। खुद हदीस है कि क़ल्बुल मोमिन अर्शुर रहमान, यही हकीकत यहाँ भी है कि इमाम भी और ख़ुद इमाम की मोहब्बत भी उसी दिल में जाके बसती है कि जहाँ ईमान हो और जहाँ मासिवल्लाह किसी और की इताअत मौजूद ना हो। लिहाजा हमें इंतज़ार के माना को भी समझना ज़रूरी है और अपने वक्त के इमाम के लिए हकीकी माना में मुंतज़िर होना भी ज़रूरी है। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बहुत से मुनाज़रे भी मिलते हैं कि जहां आप एक मौका ऐसा आता है कि आप शाम का सफ़र करते हैं, हाकिम वक्त आपको शाम बुलाता है और वहां कुछ दिनों के लिए आप शाम में ही ठहरते हैं, और इमाम का रोज़ का जो मामूल होता था वो ये होता था कि आप सुबह अपने घर से बाहर निकलते थे। एक दिन आप बाहर निकले तो आपने देखा कि जो ईसाई हैं वो सब एक पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, और इमाम ने पूछा कि क्या आज इन लोगों की ईद है, तो किसी ने कहा कि नहीं, इनका एक आलिम है कि जो साल में एक बार अपने दायर से बाहर आता है और इनके सारे सवालों के जवाब देता है। तो इमाम ने एक लिबास से अपने सर को ढक लिया और फिर लोगों के साथ वहाँ पहुँचे, और ये ईसाई और मसीही आलिम जब लोगों पे अपनी निगाहें
दौड़ाता है तो एक वक्त इमाम पे आके उसकी निगाह ठहरती है, और जाहिर है कि हुज्जतुल्लाह हैं तो निगाह तो ठहरेगी ही, इसलिए कि आलिम है तो इल्म की कदर भी करना जानता है। लिहाजा वो पूछता है कि क्या आप मसीहियों में से हैं या मुसलमानों में से हैं? तो इमाम फरमाते हैं कि मैं मुसलमानों में से हूँ। तो पूछता है कि क्या आप पढ़े लिखों में से हैं, क्या आप उलमा में से हैं या आप जुहला में से हैं? तो इमाम फरमाते हैं कि मैं जाहिल नहीं हूँ। यानी इमाम ने ये नहीं कहा कि मैं आलिम हूँ, इसलिए कि ये कह देना कि मैं आलिम हूँ इस बात की नफ़ी नहीं है कि मैं जाहिल नहीं हूँ। आलिम तो बहुत से लोग होते हैं इसलिए कि किसी न किसी फील्ड का उनको इल्म होता है, लेकिन इमाम ने ये कह कर कि मैं जाहिल नहीं हूँ ये बता दिया कि दुनिया में कोई इल्म ऐसा नहीं है कि जो हम अहले बैत के सीनों में पोशीदा न हो। इसलिए कि हकीकत यह है कि तमाम उलूम अपना सफ़र यहीं सीने अहले बैत से शुरू करते हैं, और हकीकत में किसी को अगर हिदायत चाहिए तो वो दर आले मोहम्मद पर ही आकर हासिल कर सकता है। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, اللهم صل على محمد وآل محمد। इमाम इसके सामने खड़े होते हैं और फिर ये कहता है कि मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। तो इमाम कहते हैं कि तू सवाल कर मैं जवाब दूंगा। तो पूछता है कि आप मुसलमान ये अकीदा रखते हैं कि आखिरत में इंसान खाएगा पिएगा तो ज़रूर, लेकिन उस खाने पीने के नतीजे में उसके जिस्म से कुछ मदफू बाहर नहीं आएगा, यानी किसी किस्म की उसको हाजत नहीं होगी कि वो अपने जिस्म से किसी गलाजत को बाहर निकाले। यानी जिस तरह से हम खाने पीने के बाद अपने आप को रिलीव करते हैं और जो वेस्ट मटेरियल है वो अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। इमाम ने कहा कि बेशक ऐसा ही है, आखिरत में लोग खाएंगे पिएंगे तो ज़रूर, लेकिन उनका फजला नहीं बनेगा, उनको ऐसी कोई हाजत नहीं होगी कि वो अपने मेदे को खाली करें। उसने कहा कि ऐसी कोई मिसाल मुझे दुनिया में दीजिए तो मैं जानूं। तो इमाम ने कहा बेशक ऐसी मिसाल दुनिया में मौजूद है, और वो जनीन है कि जो माँ के पेट में है, वो बच्चा कि जो माँ के पेट में है कि वो तग़ज़िया तो करता है, वो ग़िज़ा को खाता तो है, यानी खून उसके लिए ग़िज़ा बन के उसके पेट में जाता तो है खून, लेकिन ऐसा नहीं होता कि फिर वो उस खून को पीने के बाद या उस तग़ज़िये के बाद उसको कोई हाजत हो कि वो फजले को बाहर निकालें। ये जवाब सुन के वो मसीही आलिम हैरान रह जाता है। फिर वो अपना अगला सवाल करता है कि अच्छा ये बताइए कि आप ये कहते हैं कि जन्नत में जो नेमतें हैं वो कभी भी तमाम नहीं होंगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ इस्तेमाल भी हो और वो तमाम भी ना हो? इमाम ने कहा कि इसकी मिसाल तो खुद इस दुनिया में मौजूद है कि अगर तेरे सामने एक चराग जल रहा हो तो उस चराग की आग से, उसकी लौ से तू सैकड़ों चराग जला ले, लेकिन उस पहले चराग की आतिश में उसकी लौ में उसकी आग में कोई कमी नहीं आएगी। ऐसी ही मिसाल जन्नत की है कि वहाँ नेमतों का लिमिटलेस, जहाँ नेमतों का लामुतनाही इस्तेमाल होगा, लेकिन किसी सूरत भी नेमतों में कहीं से कोई जवाल नहीं आएगा। इस तरह के जवाब सुनने के बाद वो वाकई हैरान हुआ, और लेकिन क्योंकि कदरदान था लिहाजा उसने इमाम अलैहिस्सलाम का एहतराम किया और कबूल किया कि वाकई आप आलिम हैं और आप खुदा की तरफ से इल्म रखते हैं। अजीज़ों, इस तरह के बहुत से मुनाज़रे इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से नक़ल हुए हैं, और आप उन मुनाज़रात को जाकर कुतुब में उनका मुतालआ कर सकते हैं। ऐसी किताबें इंटरनेट पर इस वक्त मौजूद हैं कि उनको आप पढ़ के इमाम अलैहिस्सलाम ने कैसे लोगों को उनकी तशनगी को सैराब किया है आप उसको देख सकते हैं। एक और मुनाज़रा इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जहाँ पर हसन बसरी से उनका मुनाज़रा हुआ, और हसन बसरी इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के ज़माने में ही ज़िंदा थे, और एक वक्त को वो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए, उनकी खिदमत में हाज़िर हुए और कहा कि मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने सुना है कि तुम जबर के कायल हो और ये कहते हो कि अल्लाह ने बंदों को उनके अपने हाल पर छोड़ दिया है। उसने कहा कि हाँ ऐसा ही है। तो इस बात का इमाम ने फिर आखिर में जवाब दिया। इमाम ने अपनी बात को यूँ शुरू किया कि मैं एक कुरान की आयत की तिलावत करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि तूने इसकी गलत तफसीर की है। तो वो कहता है कि वो कौन सी आयत है कि जिसकी मैंने गलत तफसीर की है? तो मैं ने कुछ नुकात इस मुनाजरे के
अपने सामने नोट करके रखे हैं, मैं वहीं से पढ़ के आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। तो इमाम कहते हैं कि तूने इस आयत की तफसीर गलत की है कि वजअलना बैनहुम व बैनल कुरा अल्लती बारकना फीहा कुरन वाहिरतन वकद्दरना फीहा सैर सीरु फीहा लयाली व अय्यामन आमिनीन। तो इमाम अलैहिस्सलाम इस आयत की तिलावत करने के बाद कहते हैं कि तूने ये जो सूरह सबा की 18वीं आयत है कि जिसका तर्जमा यह है कि और फिर उनके और उस करिए के दरमियान हमने एक बरकत को करार दिया और वहाँ पे फिर जो है वो बहुत से शहर हैं कि जो एक दूसरे से जो है वो हमने साथ में उनके करार दिए और उन्हीं शहरों के बीच में सफ़र को हमने करार दिया कि वो सफ़र हो वहाँ पे और इन रास्तों में ही जो है वो दिन और रात वहाँ पर बिल्कुल अमन अमान है। इस जगह यानी एक करिए का जिक्र हुआ इस आयत में कि वह जालना बई नहूँ व बैन अलती बारक नफ़ीहा कौरन वाहिरतन, इन तमाम शहरों और तमाम करियों के बीच में हमने एक करिया करार दिया कि जो जहाँ पे सैर करना यानी जहाँ पे जाना जो है वो अमानत है और वहाँ पे कोई भी ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। तो इमाम ने कहा कि तूने इसकी तफसीर मक्के से की है, वाय हो तुझ पे, क्या ऐसा नहीं है कि खुद काबे के अतराफ में ही लोगों की जान की अमान नहीं होती है और वहाँ उनका कत्ल हो जाता है या फिर उनकी आबरू रेजी हो जाती है। हकीकत यह है कि यहाँ पर इस करिए से मुराद हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हैं। लेकिन हसन बसरी फिर सवाल करता है कि क्या आप मुझे कुरान से कोई आयत दिखा सकते हैं कि जहाँ पर करिए की तफसीर इंसान से की गई हो। जाहिर है कि करिया एक यानी शहर को अगर आप तसव्वुर करें तो क्या शहर को कयास किया जा सकता है इंसान के ऊपर? ये ऐसे सवाल वहीं करते हैं कि जिनका कुरान पर खुद तो इहाता नहीं होता लेकिन उसकी हकीकत को नहीं जानते कि जिसका ना खुद कुरान पे इहाता है बल्कि वो खुद हकीकत कुरान है। तो हसन बसरी के जवाब में खुद इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेशक कुरान में ऐसी आयतें हैं कि जहाँ पर करिए को इंसानों से या इंसान से तशबीह दी गई है। फिर इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम इस आयत की तिलावत करते हैं कि वकअय्यिम मिन क़रियतिन अतत अन अम्र रब्बिहा व रसूलिही वहासबनाहा हिसाबन शदीदन वअज़बनाहा अज़ाबन नुकरा। इमाम अलैहिस्सलाम इसकी तिलावत करते हैं इस आयत की और कहते हैं और कितने ही शहर ऐसे हैं कि जो अपने परवरदिगार के फरमान से और अपने उसके पैगंबरों के फरमान से रूगरदानी करते थे और हमने उनसे सख्त हिसाब लिया और उनको एक सख्त और बहुत ही बुरे अजाब में मुब्तला किया। तो इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम कहते हैं कि क्या शहर कभी अपने अल्लाह की मासीयत कर सकता है? आयत यही कह रही कि वकअय्यिम मिन क़रियतिन, कि कितने ही ऐसे शहर हैं कि जिन्होंने अपने परवरदिगार और उसके भेजे हुए रसूलों की मासीयत की, तो क्या शहर कभी अपने अल्लाह और अपने रसूल की मासीयत कर सकता है? यहाँ मुराद करिए से खुद शहर के लोग हैं, यानी इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ये दलील देते हैं कि करिया से मुराद यहाँ पे इंसान हैं और इसी कुरान में करिया को इंसान के माना में इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम फिर से एक आयत की तिलावत करते हैं कि وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ پھر اسی امام علیہ السلام اس آیت کی تلاوت کر کے یہ بتاتے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 82 کہ یہاں پہ بھی دیکھو قریے سے مطلب ہمارے شیعیان ہیں، ہمارے وہ علماء ہیں، وہ ہمارے شیعہ ہیں کہ جو صاحبان علم ہیں और हर कोई कि जो उनके पास आए और उनसे हलाल और हराम का इल्म ले गया उसने हमसे हलाल और हराम सीखा। और हकीकत यह है कि इल्म हमारे ही पास है और जिसने हमसे हलाल और हराम सीखा वही महफूज है अजाब खुदा से और जिसने हमसे हलाल और हराम की तालीम नहीं हासिल की वो कभी भी अजाब खुदा से महफूज नहीं होगा। तो इस तरह से इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ ये कि हसन बसरी को उनकी गलती का एहसास दिलाया बल्कि फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को क़ुरान की आयात से साबित करके ये बता दिया और आती हुई क़यामत तक के लिए दुनिया के मुफस्सरीन और क़ारेईन क़ुरान को ये
पैगाम भी दे दिया कि सिर्फ कुरान की तिलावत ही काफ़ी नहीं है बल्कि बुटूर आयात में एक बार शौक़ गवासी रखने वाले लोग उसके तह तक जाकर तो देखें, अगर उनके अंदर हुस्न तत्बीक पाया जाता होगा तो फजाइल अहले बैत के ऐसे नायाब मोती उनके हाथ लगेंगे कि फिर वो ये कहने से बाज ना आएंगे कि जाहिरन ये कुरान एक किताब है लेकिन इसकी हकीकत में उतरा जाए तो ये हकीकत में फजाइल अहले बैत का जो है वो एक सरमाया है, एक खजाना है। एक सलावत पढ़ दें मुहम्मद व आले मुहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। इमाम मुहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम कि ज़िंदगी में एक ऐसे सहाबी मौजूद थे कि जिन्होंने रसूलुल्लाह के ज़माने से लेकर इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के ज़माने तक ज़िंदगी गुजारी थी। ये इस कदर खुशनसीब थे कि इन्होंने रसूलुल्लाह और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और पांच इमाम यानी कुल मिला के 7 मासूम शख्सियतों की ज़ियारत की थी। गो कि उन्होंने ज़ियारत तो नहीं की बल्कि उन्होंने 7 मासूम शख्सियतों के साथ ज़िंदगी गुजारी, इसलिए कि आप नाबीना थे और आखिरी अय्याम में आप मुकम्मल नाबीना हो गए थे। शुरुआत में आप की कुछ बीनाई बाकी थी और जब आप एक दिन इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के जिनका अभी बचपने का दौर था, आपकी जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से जब मुलाकात हुई है तो जाबिर ने पूछा कि ऐ फर्जंद आपका नाम क्या है, तो इमाम ने फरमाया कि मेरा नाम मोहम्मद इब्ने अली इब्ने हुसैन है। तो वो इमाम को पहचान गए और उन्होंने इमाम के हाथ का बोसा लिया और फिर झुककर इमाम के पैर का बोसा लेना चाहा तो इमाम ने उनको रोक दिया और उन्होंने कहा कि ऐ फर्जंद रसूल, रसूलुल्लाह ने आप पर सलाम कहलवाया है इसलिए कि जब मैं रसूलुल्लाह के ज़माने में था और तब मेरी बीनाई भी बाकी थी तो रसूल ने मुझसे कहा कि तुम मेरी नस्ल में जो इमामत चलेगी, मेरी बेटी की नस्ल से जो इमामत चलेगी उस इमामत की 5वीं कड़ी मेरे बेटे मोहम्मद से तुम मुलाकात करोगे और उसको मेरा सलाम कहना। ज़रा सोचें कि जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी का क्या मकाम है कि रसूलुल्लाह का पैगाम सलाम इमाम मोहम्मद बाकर तक पहुँचाने की उनको सआदत हासिल हुई। इन्हीं जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी से एक हदीस नक़ल मनकूल है कि जिसे हदीस लौह भी कहा जाता है और उस हदीस का पसे मंज़र ये है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास एक लौह जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी ने देखी और जब उनसे सवाल किया कि ये लौह क्या है, यानी एक टैबलेट की शेप का कपड़ा कह लें या एक पत्थर, तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि अल्लाह ने आसमान से एक लौह मेरे बाबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम के वसीले से भिजवाई और मेरे बाबा ने वो लौह तोहफ़तन मुझे अता की और वो लौह आज भी मेरे पास है। फिर जनाब जाबिर इब्न हय्यान जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी फरमाते हैं कि मैंने जनाब फ़ातिमा से उस लौह को लेके उसका मुतालआ किया, उसकी तहरीर को पढ़ा और उसके बाद मैंने अपने पास से एक लौह निकाली और मैंने उसका इस्तेंसाख किया, यानी ये कि मैंने एक और नुस्खा उसका नक़ल करके बना लिया और फिर उस लौह को जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को दिखाते हैं और ख़ुद ये हदीस नकल कर रहे हैं इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम कि मेरे बाबा को जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी वो लौह दिखाते हैं और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ जाबिर, इस लौह को तुम अपने हाथों के आँखों के सामने रखो और इसका मुतालआ करते जाओ और देखो मैं उसी हदीस को अपने हाफिज़े से और वो इल्म की जो मेरे सीने में खुद मेरे जद रसूलुल्लाह का मौजूद है कि जो उनसे होता हुआ मुश्तक बतौर विरसा आया है, मैं इस हदीस की तिलावत कर रहा हूँ और तुम देखो कि क्या मैं लफ्ज़ बलफ्ज़ उसकी तिलावत कर रहा हूँ। और फिर इमाम मोहम्मद जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने उस पूरी हदीस की तिलावत की और जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं कि बेशक आपने इस हदीस की मिनो अन तिलावत की है और एक लफ्ज़ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जिसकी आपने तिलावत और क़िराअत न की हो। और ये हदीस
वो नूरानी हदीस है कि जहां हमें अपने तमाम अइम्मा का नाम मिलता है, हमारे अपने तमाम अइम्मा के अस्मा मिलते हैं, और ये हदीस बहुत से मोतबर मनाबे में नकल हुई है और उसकी सनद भी सही है और उसूल काफ़ी में भी इसको जनाब शेख कुलैनी ने नकल किया और ख़ुद शेख सदूक ने भी अपनी किताबों में उसको नकल किया। और ये हदीस बहुत तूलानी हदीस है, अगर आप इंटरनेट पे जाएं तो इसका आप मुतालआ कर सकते हैं कि जहाँ पर अल्लाह ख़ुद मुतकल्लिम है और वो रसूलुल्लाह से ख़िताब करते हुए पहले अपनी हम्द कर रहा है और फिर उसके बाद उसने कहा कि हमने तुमको रसूल बनाया, और फिर इमाम अली का जिक्र है और फिर इमाम हसन और इमाम हुसैन का जिक्र है, और फिर उसके बाद इसी तरह से सारे अइम्मा का जिक्र होते होते हमारे ज़माने के इमाम अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ का भी जिक्र है। और यह हदीस हमारे लिए बहुत बड़ी सनद है कि आज हम जिन 12 इमामों को मानते हैं वो हकीकत में हुज्जतुल्लाह हैं, वो अल्लाह की तरफ से भेजी गई हुज्जत हैं, इसलिए कि इंसानों की हिदायत के लिए खुद इंसानों के बीच में कोई मौजूद हो और लोग उसे मुंतखब कर लें तो उसे हादी नहीं कहा करते, बल्कि हादी वो होता है कि जिसने हमें खल्क किया है उसकी तरफ से कोई हमारी हिदायत के लिए आए तो वो हमारा हकीकत में हादी होता है। भाई यहीं तो हम सूरह हम्द में रोज़ कहते हैं कि इहदिन सिरातल मुस्तकीम, हमें सिरात मुस्तकीम पे बाकी रख, या हमारी सिरात मुस्तकीम की हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे, जो भी तर्जमा आप सही माने, लेकिन हकीकत में हम अल्लाह से तलब कर रहे हैं। इहदी ये अम्र है कि हम अल्लाह से कह रहे हैं कि हमारी हिदायत फरमा, तो जब हम अल्लाह से हिदायत तलब कर रहे हैं तो फिर हादी खुद कैसे बना लेंगे। जाहिर है कि जिससे हिदायत तलब की जा रही है या वो खुद हिदायत करे या फिर अपनी तरफ से कोई हादी भेजे कि जो हमारी हिदायत करे, और जब वो अपनी तरफ से भेजेगा तो फिर वो हम में से नहीं होगा बल्कि उस की तरफ से आया हुआ हादी होगा। एक सलवात पढ़ें मुहम्मद वाले मुहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लिहाजा ये बात भी इस हदीस से आया हो गई कि हिदायत का जिम्मा खुद अल्लाह ने लिया है और हादी भी उसी की तरफ से आएंगे। और खुद इसी हदीस में एक फकरा भी मौजूद है कि जिसका तर्जमा यह है कि हमने किसी भी रसूल को नहीं भेजा मगर यह कि उसकी उम्र और उसकी जिम्मेदारियां तमाम होने नहीं पाई थी कि हमने उसके लिए एक वसी को भी करार दे दिया। और इसी से ये बात भी मालूम होती है कि जब तमाम अंबिया के साथ अल्लाह की ये सुन्नत रही कि उनको भेजने के बाद जब उनकी उम्र तमाम होने लगे तो अल्लाह एक वसी करार दे, तो फिर वो रसूल के जो खातिमुल अंबिया है, वो रसूल के जो ख़त्म रसालत है, उसकी रसालत के ख़त्म होने के बाद ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह वो इस्लाम वो दीन के जो ता क़याम क़यामत कायम रहने वाला है उस दीन की बागडोर को लोगों के हाथ में दे के छोड़ दे और अपने रसूल को बग़ैर किसी वसी का इंतखाब किए हुए वापस इस दुनिया से बुला ले। ऐसा अक्ल इस बात को गवारा नहीं करती। एक सलवात पढ़ें मुहम्मद वाले मुहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बहुत से ऐसे गोशे हैं और जैसा कि मैंने कहा कि फ़कत आधे घंटे या एक घंटे की तकरीर में उन पर रोशनी नहीं डाली जा सकती है, ज़रूरी यह है। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपने हमसिन व कमसिन भाइयों से मुखातिब हूँ, तो मैं ख़ुद उनसे इस बात की दरख्वास्त करूँगा और उनको ये मशवरा दूँगा कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ लम्हात ऐसे निकालिए कि जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके वक्त के इमाम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मखसूस हों। किताबों का मुतालआ करें, तफसीर का मुतालआ करें, क़ुरान का मुतालआ करें, ज़ियारत आशूरा जैसे नूरानी हदीये को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आयतुल्लाह काजी तबातबाई, जो कि आयतुल्लाह बहजत के भी उस्ताद थे, इंतकाल के बाद जब आपके बेटे ने आपको ख्वाब में देखा तो उन्होंने अपने बाबा से पूछा कि बाबा, अगर आप इस दुनिया में फिर से भेज दिए जाएं या आप इस दुनिया से गए तो आपको किस चीज़ का अफसोस है? तो उन्होंने यही कहा कि मुझे इसी बात का अफसोस है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ हर रोज़ एक ही बार ज़ियारत आशूरा क्यों पढ़ी, आकाश हर रोज़ दो बार ज़ियारत आशूरा पढ़ता। हाँ अजीज़ों, ये वो अज़कार हैं कि जो हम तक पहुँचे हैं और इनकी अहमियत का हमें अंदाज़ा नहीं है। सिर्फ़ एक सलावात पढ़ देने का वो सवाब है कि जब इंसान इस दुनिया से जाएगा और अपने आमाल नामे को देखेगा तब उसे मालूम होगा कि इस सलावात की क्या अहमियत है।
एक गिलास पानी पीकर इमाम हुसैन पे सलावात भेज देना, उनको याद कर लेना। जिन इमाम की शहादत की शब है उन्हीं के बाबा का वाकया है जो मुझे याद आया, तबरुकन उसको अर्ज करूं और बाब मसायब में आ जाऊं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से एक शख्स मिलने के लिए आता है और ग़ुलाम यह कहकर उसको बिठा देता है कि मौला अभी नमाज पढ़ रहे हैं, मौला नमाज पढ़ रहे हैं, और वो शख्स उसी कमरे में उनके पास बैठा हुआ है और वो ग़ुलाम से कहता है कि तू मुझे ज़रा एक लीवान एक गिलास पानी ला के दे दे। वो ग़ुलाम उनको पानी ला के देता है, ये शख्स पानी पीता है और कहता है सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह और सलावातुल्लाह अलल हुसैन व अला औलादिही व अला असहाबिह। ये फ़िक्रा उसने कहा और इधर इमाम की नमाज तमाम हुई और इमाम मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ शख्स, ये फ़िक्रा कह के जो तुझे सवाब मिला है, क्या तू उस सवाब को मुझे दे सकता है और बदले में अभी जो मैंने नमाज पढ़ी है उसका सवाब तू ले ले। अजीज़ों आप अंदाज़ा लगाइए कि वक्त का इमाम इमाम मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम वक्त के इमाम हैं और इमाम की नमाज का मासूम हुज्जत खुदा की नमाज का अंदाज़ा लगाइए कि उस नमाज से अफजल और किसी की नमाज हो सकती ही नहीं। और उस नमाज का सवाब वो उस शख्स को देना चाह रहे हैं उस सवाब के बदले में कि जो सलावातुल्लाह अलैल हुसैन कह के उसको मिला हो। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए मज़लूमियत इमाम हुसैन का और ख़ुद अहले बैत अलैहिस्सलाम की हर फ़र्द की मज़लूमियत का अंदाज़ा लगाइए और उस सवाब का अंदाज़ा लगाइए कि जो अल्लाह वाकई किस कदर करीम है कि उसने एक छोटे से अमल यानी पानी पीने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करने का इतना सवाब रखा कि वक्त का इमाम अपनी नमाज का सवाब उससे बदल लेना चाह रहा है। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तड़पते हुए यहीं कहा था कि शियाती महमा शरब तुम आजबम्मा इन फजकुरूनी, अरे मेरे शियों जब भी तुम कभी मीठा पानी कभी ठंडा पानी पीना तो मुझे हमेशा याद करना। महमा शरीब तुम जब भी पीना फज कुरूनी, जब भी मीठा पानी पीना तो मुझे याद करना यानी मेरी प्यास को याद करना। अज़ीज़ों आज शब शहादत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम है, तमाम आगे आने वाले इनके बाद आने वाले अइम्मा से इनका फ़र्क यह है, इनको इम्तियाज़ ये हासिल है कि ये वाकये करबला में मौजूद थे। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम 3 या 4 साल के हैं और वो ख़ुद बाद में कहते हैं कि करबला में जो भी वाकयात रोनुमा हुए उस सब का मैंने मुशाहदा किया। और आप जाहिर है कि इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम को जाबिर हाकिम वक्त ने जहर देकर शहीद किया। मुझे पूरी शहादत इमाम की नहीं पढ़नी है, बस मैं एक फ़िक्रा यूं कह के आपको शायद रुला पाऊँ क्योंकि यही तो हकीकत मजलिस है कि इंसान अश्कबार आँखों से अपने वक्त के इमाम को और उस दुखियारी माँ को ताज़ियत दे सके। आप सोचें कि इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम जब अपने आखिरी लम्हात में ज़िंदगी के होंगे तो उनको कभी जनाब सकीना याद आई होंगी, कभी कैद खाना याद आया होगा, अरे कभी वो नन्ना अली असगर याद आया होगा कि जिसका गला दुश्मनों ने से शोभा तीर से छेद दिया था। हाँ कभी जनाब अली अकबर याद आए होंगे कि अरे जब वो मुड़ मुड़ के जा रहे थे और मुड़ मुड़ के अपने बाबा को देख रहे थे, शायद तभी तक इमाम हुसैन करबला की ज़मीन पे जिंदा थे। हाँ उनको जनाब अब्बास भी याद आए होंगे कि अरे जो बच्चों के लिए पानी लेने तो गए थे लेकिन लौट के जब अलम आया तो चचा अब्बास ना आए बल्कि इमाम हुसैन आए थे। हाँ इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम को अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में ये सारी बातें याद आ रही होंगी, अरे वो खुद यहीं सोच रहे होंगे अरे अभी जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा अरे तो मेरे बच्चे मौजूद हैं, अरे मुझे कफ
कफन और दफन मुझे कफन पहनाया जाएगा, अरे मुझे शान के साथ दफन किया जाएगा, लेकिन अरे वो करबल की जमीन पे इमाम हुसैन का वो जसद अकदस, अरे वो 3 दिन पड़ा रहा, कोई न था कि जो इमाम को कफन देता, अरे यहाँ तक तो कुछ भी न था, हद तो ये हुई कि ऐसे लोगों को जमा किया गया, क्योंकि शिमरे मलून को मालूम था कि हुज्जत खुदा पे जुल्म वही कर सकता है कि जिसकी पैदाइश पाक न हो, अरे ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोग जमा किए गए कि जो जिना के नतीजे में पैदा हुए थे, उनको ऐसे घोड़े दिए गए कि जिनकी टापों को नया नया भी उन पे लोहा लगाया गया था, फिर से उसको सैकल किया गया और इन सब से कहा गया वो करबला में हुसैन का लाशा है, अरे तुम सब घोड़ों को लाशे पे दौड़ाओ, अरे घोड़े लाशों पे लाशे पे दौड़े, अरे उस माँ का क्या हाल होगा जो करबल के मैदान में अपने लाल के लाशे को पामाल होता देख रही थी। अल्लाह لعنت الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره اے میرے معبود ہماری اس مختصر سی ازا کو قبول فرما یا اللہ محبان اہل بیت جہاں کہیں بھی ہیں اگر وہ ان کی حفاظت و حمایت فرما دشمنان اہل بیت جہاں کہیں بھی ہیں اگر وہ لائق اصلاح نہ ہوں تو ان کو نیست و نابود فرما یا اللہ امریکہ و اسرائیل و برطانیہ اور آل سعود کی تمام منصوبہ بندیوں کو انہی پر پلٹا دے اے میرے معبود ہمارے درمیان جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما جو کورونا جیسی وبا سے متاثر ہیں اور جو اس کا شکار ہیں یا اللہ ان کو جلد از جلد بوسیلہ امام زمانہ شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا یا اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھ ایران عراق بحرین و سیریا و یمن میں جو بھی مظالم ہو رہے ہیں ان ظالموں کو نیست و نابود کر دے اے میرے معبود تمام مسلمان ممالک کو آپس میں متحد کر دے ہم کو ایک قوم کی طرح متحد کر دے تاکہ ہم اپنے دشمن کے خلاف سینہ بسپر ہو جائیں اے میرے معبود اختلافی مسائل کو حل کر دے یا اللہ اہل بیت علیہ السلام سے روز بروز لمحہ بلمحہ قریب ہونے کی توفیق عطا فرما اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات میں بلندی عطا فرما اے میرے معبود وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین